हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग अपने चैनल में क्रैश कोर्स क्लास 12 का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जैक बोर्ड और सीबीएसई के जो क्वेश्चंस फोर्थ कमिंग एग्जाम में आने वाले हैं उसको मैंने कवर किया है। ठीक है, टोटल आपको 20 सेट्स अभी से एग्जाम तक मिलेंगे, मैथ्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास मैथ्स से। और मैथ्स में सेट वन में मैंने कुल 10 क्वेश्चंस को लिखा है और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और बच्चों इस बार मैं बता दूं आपको कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें बर्डन लेके स्टडी नहीं करना है, बेसिक बेसिक चीज़ों को हमें ध्यान देना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट मैथमेटिक्स सेट वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि दिया है सो दैट पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। बच्चों यहाँ पर मान लो कि हम पॉइंट्स मान लेंगे, ये ए बी और इसे सी मान लेंगे। हमें क्या देखना है कि अगर तीन पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, तो आपने 3D में पढ़ा होगा कि तीन पॉइंट्स कॉलिनियर होने के लिए आप साबित कर दो कि दो पॉइंट से बने लाइन और इस दो पॉइंट से बने लाइन अगर आपस में पैरेलल्स हो जाए तो वो कॉलिनियर हो जाएंगे। ठीक है ना, कॉलिनियर एक लाइन्स पे होने वाले हैं और हमें पता है दो पैरेलल लाइन्स जो होते हैं वो कॉलिनियर हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, मान लो ये ए और ये बी है, ये दोनों के बीच डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो आप कैसे निकालते हो, तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी निकालने के लिए आप एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन करते हो। तो आप यहाँ पे देखो, माइनस वन में टू घटाओगे तो माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस टू में थ्री घटाओगे तो माइनस फाइव आ जाएगा, और वन में फोर घटाओगे तो माइनस थ्री आ जाएगा। इसी प्रकार हम डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट सी का। तो आप यहाँ पे भी देखो, फाइव में से आप टू घटाओगे तो कितना आ जाएगा, थ्री। एट में से थ्री घटाओगे तो फाइव, और सेवन में से फोर घटाओगे तो कितना आएगा, थ्री। अब आप क्या करो, ये दोनों का आप रेशियो निकालो। तो माइनस थ्री अपॉन थ्री माइनस वन, माइनस फाइव अपॉन फाइव माइनस वन, माइनस थ्री अपॉन थ्री, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो हम देख रहे हैं कि ए बी और ए सी के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो जो है आपस में इक्वल हो रहा है। तो ये आपस में पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे इसका मतलब ये पॉइंट्स ए दोनों में कॉमन हो रहा है ए बी सी में, तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, हमें बोल रहा है इंटीग्रेट करो साइन इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स बराबर एक्स होता है और यहाँ पर कॉस एक्स है। तो हम इसे क्या करेंगे, कॉस को लिख देंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा आपको पता है कॉस थीटा होता है। अब ये आप फार्मूला आप लगा दो, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा, थीटा। तो देखो थीटा की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स। इसका मतलब हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स का। तो पाई बाई टू माइनस एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों ये आएगा पाई एक्स बाई टू। देखो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, तो पाई बाई टू डी एक्स, तो डी एक्स का एक्स हो जाएगा, तो पाई एक्स बाई टू। और एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई टू। और यहाँ पे चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। चलो तीसरा सवाल देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में है कॉस, फिर साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। तो बच्चों हमें पता है कि साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री को हम पाई बाई थ्री लिखते हैं। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री यहाँ पर हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री बराबर पाई बाई थ्री, इट मीन्स कॉस पाई बाई थ्री। और कॉस पाई बाई थ्री कॉस कितने हो गए आपके, 60 डिग्री हो गए। और कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है, वन बाई टू, फिर साइन इनवर्स वन बाई टू आएगा। और तो वन बाई टू साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो पाई बाई सिक्स, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स बराबर पाई बाई सिक्स। तो आप देख रहे हो कि ऐसे भी साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू निकलेगा। तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो आंसर्स होंगे बच्चों वो पाई बाई सिक्स प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि एक करेक्ट वैल्यू है। ओके, क्योंकि ये माइनस पाई बाई टू के प्लस पाई बाई टू के बीच लाई कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, टू टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन बराबर टेन इनवर्स 31/17, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों हम यहाँ पे एल एच एस लेंगे, एल एच एस में देखो टू टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन। आप क्या करो, टू टेन इनवर्स वन बाई टू का फॉर्मूला लगा दो, किस रिस्पेक्ट में, टू टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसा कि आपको पता है टू टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप इसे बस पहले फार्मूला पे तोड़ो, उसके बाद इसे एटिटीज रहने दो। तो ये फार्मूला पे तोड़ने से क्या हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि फिर से एक नया फार्मूला बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। और वापस फिर से आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इस तरीके से आप आर एच एस प्रूफ कर सकते हैं, टेन इनवर्स 31/17। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइव नंबर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन।
बस जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इक्वल मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे रो और कॉलम्स की संख्या क्या है, बराबर है। इसमें टू रोज है और टू कॉलम्स है, इस भी मैट्रिक्स में टू रोज और टू कॉलम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इक्वेट करोगे ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, टू ए प्लस सी इक्वल टू फाइव, टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो और थ्री सी प्लस डी इक्वल टू थर्टीन। अब आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन और टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये दोनों को लेकर सॉल्व कर दो, ठीक है ना। आप देखो ये दोनों में बी निगेटिव है तो हम साइन चेंज करेंगे, तो बी क्या हो जाएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। ए में टू ए जाएगा माइनस ए बराबर माइनस वन, तो ए का मान इस तरह से आप वन यहाँ पर निकाल सकते हो, और यही ए का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम लोग डालेंगे तो यहाँ से बी निकलेगा। ठीक उसी प्रकार टू ए प्लस सी को आप ले लो और थ्री सी प्लस डी, लेकिन ये दोनों सॉल्व होगा नहीं, अगर आप इसको सी को कैंसिल करोगे तो टू ए और डी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो बच्चों टू ए प्लस सी बराबर फाइव में हम ए का वैल्यू को पुट करके सी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब सी निकल जाए तो यहाँ थ्री सी प्लस डी बराबर थर्टीन में आप सी का वैल्यू कैलकुलेट करके डी निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम ए बी सी डी निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हमें पूछ रहा है फाइंड एक्स इफ़ वाई बराबर इतना, वाई एक मैट्रिक्स है और टू एक्स प्लस वाई बराबर इतना दिया है, हमसे पूछ रहा है एक्स। तो आप सबसे पहले क्या करो बच्चों, यहाँ पे वाई की जगह ये वैल्यू को हमें पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो टू एक्स प्लस वाई बराबर इतना, अब आप क्या करो कि इससे आप क्या करो राइट साइड में ले जाओ, तो राइट साइड में ले जाओगे तो ये माइनस होगा, तो वन में से थ्री घटाओगे तो माइनस टू आएगा, फिर जीरो में टू घटाओगे माइनस टू आएगा, माइनस थ्री में वन घटाओगे माइनस फोर आएगा, और टू में फोर घटाओगे तो माइनस टू आएगा। तो ये टू एक्स हुआ, अब एक्स बराबर क्या होगा, टू से आप डिवाइड कर दो। तो हमें बताया कि मैट्रिक्स के हर एक डिजिट में डिवाइड होता है, अगर हम कोई स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप टू से क्या करो सब में डिवाइड कर दो, तो ये आपका एक्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेवन नंबर, हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 इज रिस्पेक्टिव, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग एट ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। हमें अलजेब्रिक मेथड से मैट्रिक्स के अलजेब्रा मेथड से यूज़ करके टोटल कॉस्ट निकालना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना है ना, जब बुक और कॉस्टिंग दिया होता है ना बच्चों, तो हमें ध्यान देना है कि पहले मैट्रिक्स को हम लोग बुक पहले जो बुक वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग रो में कंसिडर करेंगे, और जो प्राइसिंग दिया हुआ है बच्चों उसको कॉलम में कंसिडर कर लेंगे। तो आप क्या करना, लेट मैट्रिक्स ए को आप क्या करना यहाँ पे लिखना, जैसे कि देखो ये 10 डजन है, तो 10 डजन, 1 डजन में 12 होते हैं, तो 10 डजन में कितने हो जाएंगे, 10 × 12 120। आप मेरे कर्जर पर ध्यान देंगे, मैं कर्जर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ओके। फिर देखो 8 डजन फिजिक्स बुक है, तो आप देखो 8 × 12 हो जाएगा 96। फिर देखो 10 डजन इकोनॉमिक्स है, तो 10 × 12 हो जाएगा 120। प्राइसेस को देख लो, मैंने प्रत्येक का प्राइसेस यहाँ पे लिखा, मैंने नहीं क्वेश्चंस दिया है कि प्रत्येक बुक की जो प्राइसेस है, ईच ईच का मतलब प्रत्येक बुक की प्राइसेस है 80, 60 और 40। तो इसको हम लोगों ने कॉलम में कंसिडर कर लिया, 80, 60, 40। अब सिंपली हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो ही टोटल अमाउंट आएगा 20,160। तो इस तरह से इतने बुक को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने की जरूरत पड़ेगी, 20,160 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो देखो, हमें क्या दिया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिया है ए का और बी मैट्रिक्स दिया है, और हमें ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है। तो बच्चों हमें जैसा कि पता है कि किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का वापस फिर से ट्रांसपोज करोगे तो ए निकलेगा, ओके। तो देखो क्या किया हमने, ट्रांसपोज में हम लोग करते क्या है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। रो को जैसे माइनस टू थ्री यहाँ पे रो है में है, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस टू थ्री ऐसे आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो आपके पास ए डैस दिया था, बी दिया था, हमने ए डैस से ए निकाल लिया, ठीक है ना। देखो ए डैस से ए निकाला तो हमने रो को कॉलम में क्या किया, कन्वर्ट किया। इसका मतलब मैंने क्या किया, ए डैस का फिर से ट्रांसपोज कर दिया। फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस बच्चों क्या होता है ए। बी दिया हुआ है, सिंपली आप क्या करो ए प्लस पहले टू बी निकालो, टू स्केलर प्रोडक्ट है तो आप बी के हर एक डिजिट में टू से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो। अब वापस फिर से इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो फिर से हम रो को कैची में कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस छूट गया है, माइनस टू और माइनस टू जो होगा बच्चों यहाँ पे माइनस फोर होगा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ओके। तो माइनस फोर और वन होगा और फिर ये 5, 6 को, तो यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करोगे, यहाँ पे माइनस होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर, मुझे हमें बताना है कि तीन पॉइंट कॉलिनियर होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक डिटर्मिनेंट प्रोसेस के माध्यम से भी पढ़े थे, ठीक है ना। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको हर जगह मिल रहा है, कॉलिनियरिटी वाला आपको 3D में मिल रहा है, वेक्टर में मिल रहा है,
डिटरमिनेंट में मिल रहा है, तो आप क्वेश्चंस को देख के ना अंडरस्टैंड कीजिए खुद में कि हम किस मेथड से बनाए। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है ट्रायंगल वाला मेथड, तो डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग ट्रायंगल का जब एरिया निकालते हैं, तो बच्चों यहाँ पे फार्मूलाज होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 1 1 लिख दिया। ठीक है, तो x1 y1 क्या होगा, देखो x1 ये होगा a, x और y1 क्या हो जाएगा b प्लस सी, x2 क्या होगा b, ठीक है, y2 क्या हो जाएगा c प्लस a, x3 क्या होगा c और y3 क्या हो जाएगा a प्लस b। अब इसे क्या करो, आप प्रॉपर्टीज लगा दो। प्रॉपर्टीज मैंने क्या किया, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दिया। कॉलम 1 और 2 को ऐड करने से क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये दोनों बाहर देखो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हमने क्या किया, ये 2 तो पहले से था, ये पूरा हमने बाहर कर दिया C1 से कॉमन लेके, तो यहाँ 1 1 1 बचा, यहाँ पे भी 1 1 1। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट में दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, मतलब एरिया ही 0 हो गया। तो अगर किसी 3 पॉइंट से बना ट्रायंगल का एरिया 0 होता है बच्चों, तो ऐसे तीनों पॉइंट्स को हम लोग कॉलिनियर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो बच्चों अगर दो कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 दिया है, तो इक्वेशन निकालने का फार्मूला जो डिटरमिनेंट मेथड से वो ये होता है, x1 xy पहले लिख दो, और यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2, और आप इधर थर्ड कॉलम में 1 1 1 लिख दो। अब एक्स वाई को एडिटीज रहने दो, x1 y1 1 2 बैठाओ, x2 y2 3 6 बैठाओ, और इसे सिंपली सॉल्व कर दो। सेकेंड भी देखो सेम क्वेश्चन है, यह x1 y1 ही x2 y2 है, तो आप इस डिटरमिनेंट में क्या के लेके इसे सॉल्व कर दो। डिटरमिनेंट को सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे x लिए तो ये गया ये गया, ये रो और कॉलम खत्म कर देते हैं, ये डिजिट को लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर y लेते हैं माइनस में, फिर ये कॉलम और ये रो को हटा देंगे, तो ये दोनों डिजिट को लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 1 ले लो। इस तरह से हम लोग सॉल्व करके जो भी आपके पास कंडीशन निकल रहा है वो रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन होंगे। ओके, चलिए 10 के B में एक और क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड 5x+2y=3, 3x+2y=5। बच्चों हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को कंसिडर करेंगे। ए क्या होगा, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट होगा, तो देखो यहाँ पे 5 और 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 और 2 आ रहा है, एक्स जो होगा एक्स वाई होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स एक्स और वाई यही कैलकुलेट करना है, और बी को जनरली बच्चों हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म को कंसिडर करते हैं, तो ये 3 और 5 हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स का फार्मूला निकालने के लिए ए इनवर्स बी निकालते हैं, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करनी होगा कि 1 अपॉन ए ए डी जे, तो ए डी जे ए सबसे पहले आप निकाल लो, ए डी जे दैट इज क्या कहा जाएगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले को फैक्टर निकालते हैं, और को फैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे को फैक्टर देखो यहाँ पे 5 का अगर हम देखें को फैक्टर, तो ये रो और ये खत्म हो जाएगा, तो 2 बचेगा, पहला प्लस लेंगे साइन, दूसरा माइनस, फिर क्या लेंगे प्लस, ठीक है ना। तो आप 5 का को फैक्टर लिए, तो ये गया 2 बचा, 2 का लोगे तो फर्स्ट और सेकेंड को लो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बोला ना पहला प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस, सेकेंड दो दो ऑर्डर में, तीन ऑर्डर में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हो, पहले को फैक्टर निकालो, उसका ट्रांसपोज करो, तो ए डी जे निकलेगा। डिटर्मिनेंट निकाल लो यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से, और उसके बाद ए इनवर्स निकाल लो, तो ए 1 बाय डिटर्मिनेंट है ए डी जे, और फिर दोनों को क्या करो फार्मूला लगा दो, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स बी को इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करो कंपेयर कर दो, यहाँ पे समझेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक्स और वाई क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप ये 10वां क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।